नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपना YouTube चैनल यूपी किसान हमारा जान। किसान भाइयों, आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बरबट्टी यानी कि बोरा की खेती हम कैसे कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोबियो कहते हैं। किसान साथियों, कौन से हमें मिट्टी पे बुआई करनी चाहिए, कौन सी बीज लगाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, कौन सी हम बीज की चुनाव करें, हरा हो, लंबा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलती रहे। किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक बन के देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए नए किसान भाइयों के पास शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों, बोरे की खेती करने के लिए जैसे देख सकते हैं कितना लंबा हुआ है। किसान साथियों, वैरायटी भी आपको हम बताएंगे कौन सी वैरायटी है। मतलब कि जब हम बुआई करते हैं उसके 45 दिनों के बाद हमें इसमें से हार्वेस्टिंग मिलने स्टार्ट हो जाती है। किसान साथियों, हार्वेस्टिंग मिलना ही हमारे सबसे बड़ी बात नहीं होती है। कौन सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देता है, मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड किसी रहती है, हमसे सबसे बड़ी बात तो वह होनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके लिए आप ही देख सकते हैं सभी बोर्ड, मतलब जितने भी फल हैं काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी एकदम हरे क्वालिटी के हैं, देख सकते हैं। किसान साथियों, पूरे हर प्लांट में फल लगे हुए हैं। खेत की अगर बात करें तो आप बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे सभी मिट्टी पे बोरा की खेती की जा सकती है। किसान साथियों, जैसे देख सकते हैं पूरे पीछे से लेकर आगे तक लगाई गई है, इधर भी लगाया गया है। किसान साथियों, पीएच मान की बात किया जाए तो 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें हम बोरों की खेती करना चाहते हैं। देख सकते हैं किसान साथियों, एकदम लंबा लंबा बोरा लगा हुआ है, काफ़ी गजब की लगी हुई है। साथ ही किसान साथियों, आप देख सकते हैं इधर काफ़ी गजब की लगी हुई है। तो इस तरीके से किसान साथियों, खेत की अच्छा से निराई गुड़ाई करा दीजिए। 1 एकड़ में 50 से 60 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दीजिए और साथ ही किसान साथियों, खेत को अच्छे तरीके से निराई गुड़ाई करा के उसको एक समतल रोटावेटर करा के छोड़ दीजिए। फिर 2 से 3 दिन बाद उसमें आप इस लोबियो से मतलब वैरायटी की बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। आपको हम टॉप 2 वैरायटी के बारे में बता रहे हैं जिसे आप बुआई करके काफ़ी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, फर्स्ट जो हमारी वैरायटी है काशी निधि गोकुल कंपनी की है, जो कि आप हमारे खेत में देख सकते हैं काफ़ी लंबा और काफ़ी गजब की हार्वेस्टिंग दे रही है। हर प्लांट में ऐसा नहीं है कि एक प्लांट में है और दूसरी प्लांट में नहीं, हर प्लांट में प्लांट काफ़ी लंबा लंबा नहीं है, फिर भी प्लांट छोटा है। और लाइन की डिस्टेंस की बात करें तो प्लांट से प्लांट की दूरी 3 फीट होनी चाहिए, मतलब लाइन से लाइन की दूरी, और जो प्लांट से प्लांट की दूरी है वो हमारी 1 फीट होनी चाहिए। हमारी बुआई करने से पश्चात 4 से 5 दिनों बाद हमारे प्लांट जब जर्मिनेशन हो जाता है तब हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद कुछ हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, वही इंसेक्टिसाइड जब तक हमारी फल फूल चलती रहती है तब तक हम उसे हार्वेस्टिंग के समय भी वही हम कीटनाशक का छिड़काव करते रहते हैं। जैसे क्लोरीफास, साइफरमिथ्रिन हो गया, जैसे 505 में आती है, और साथ ही प्रोफेक्स लग सकते हैं जिसमें प्रोफेनास आती है, वो भी कीटनाशक में। इन्हीं के साथ आप कर्बेंडाजीब और मैनकोजीब का छिड़काव कर सकते हैं, जो साफ में आती है, साफ UPL कंपनी की। इस तरीके से किसान साथियों, देख सकते हैं प्लांट में इधर तुड़ाई हुई है, फिर फूल भी दिख पा रहा होगा आपको, इधर तुड़ाई हुई है देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इधर नया फूल के लिए आगमन हो रही है। तो इस तरीके से किसान साथियों, आप बोरों की खेती करके काफ़ी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही नए नए किसान भाइयों के पास जो बरबट्टी की खेती यानी कि बोरा की खेती करना चाहते हैं उन तक हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, आपकी लाइक और शेयर से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, तो इसलिए किसान साथियों आप नए नए किसान भाइयों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।